जम्मू कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन चल रहा है और वो इलेक्शन आखिरी मरहले में है। इसी दरमियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बड़ी जोरदार स्पीचें की। उसमें उन्होंने ये कहा कि सिंध के बिना हिंद मुकम्मल नहीं और इलेक्शन जीतने के बाद कश्मीर जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो हिंदुस्तान में शामिल होगा, उस पर कब्जा किया जाएगा। तो उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिंध के बगैर हिंद मुकम्मल नहीं। ये सिंध वो हिस्सा है जो कल तक हमारे हिंदुस्तान का पार्ट था और 1947 के बाद मुल्क जब तकसीम हुआ तो ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। और हम तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात करते हैं, यानी अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत होना चाहिए और पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर की बात नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और ये कल हिंदुस्तान का हिस्सा था तो आज हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकता है। तो आज माहौल बहुत अच्छा है कि सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और हमारे स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसी शख्सियत है। तो ये दो ताकतवर शख्सियतें अखंड भारत का सपना पूरा कर सकती हैं और कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकता है। अगर ये दोनों शख्सियतें कोशिश करें और इसको अमली जामा पहनाने की बात करें तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि बहुत जल्द ये अखंड भारत का, भारतीय मुसलमानों का, भारत में रहने वाले जो हिंदू भाई हैं उनका जो सपना है वो साकार हो सकता है और वो बहुत जल्द पूरा हो सकता है। इस पर काम किया जाना चाहिए। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।